हेलो फ्रेंड्स, मेरे सिंपल फूड्स चैनल में आपको स्वागत है। मेरे सिंपल फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल दूध का शरबत। इसे कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे। दूध का शरबत बनाने के लिए हम लेंगे 2 से 3 ग्लास दूध, 2 कटे हुए बादाम। बादाम को पील निकाल के इसका छोटे पीस कर लेंगे। काजू कटे हुए 5 से 6, पिस्ता कटे हुए 5 से 6, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी ले लेंगे। थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं चीनी। 1/2 टेबलस्पून घी ले लेंगे। 2 टेबलस्पून ये ग्रेट किया हुआ नारियल, ये सूखा नारियल ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो कच्चा नारियल भी ले सकते हैं ग्रेट करके। 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर। चलो अभी से कैसे बनाते हैं देखेंगे। फर्स्ट हम एक पैन रख लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। एक घी मेल्ट होने के बाद, देखो मेल्ट हो गया है घी, इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। देखो दूध को गर्म होने देंगे। बस को अच्छा सा मिला देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादाम काजू पिस्ता, पूरे डाल देंगे। दूध को अच्छा सा पका लेंगे बीच में चलाते हुए। देखो एक उबल आ गया है दूध का। अब गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसमें हम ये चीनी ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। अब इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब हम गैस के फ्लेम को, देखो अच्छा सा पकने लगा है दूध, तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ नारियल डाल के अच्छा सा मिक्स करके इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। इसके इस ए, ए, मिल्क को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद हम इसको निकाल लेंगे फ्रिज से। देखो ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब हम डालने के फर्स्ट एक बार हम मिला लेंगे पहले अच्छा सा, तो अब ये सर्विंग ग्लास में डाल देंगे। ये दूध का शरबत रेडी हो गया है, मुहर्रम स्पेशल दूध का शरबत। इसी तरह आप भी घर पे बनाइए। बना के आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।